अरे भैया, आज एक खुशखबरी की बात हो गई। आज उनसे पहली बार बात और मुलाकात हो गई। ये भुए धा वीडियो बनाना चक्रम बल है। ये भी पहचान प्लेट है, अकन का पहचान है। पहचान तो पड़ा छतल कन का पान, एक हाथ फोन, एक हाथ प्लेट। ठीक 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 चल बीरू खल ककोति गमा मिलनो अजई बाट देखो लो त्यार को सोमो टक लगाई। हेलो गट 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 बानी दोस्तों, सबसे पहले प्रणाम और शिवा सोली आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से एक नया दिन और नई सुबह, और नया सुबह तो नहीं पर फिलहाल दिन का टाइम हो गया है, 12:30 का टाइम हो गया है और बारिश लगी पड़ी है लगातार। भैया बारिश रुकने का तो कोई नाम नहीं रह रही है, रेड अलर्ट हो रखा है। और सुबह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई, सुबह से यार थोड़ा मैं बिजी हो गया था। बिजी किस काम में हो गया था? सुबह से ऐसे ही बोर हो रहे थे, थोड़ा बोर हुए हुए हुए, तब बोर हो गए ज्यादा ही। तब हर्षो भाई के घर में आए, फटाफट से हमने फिर प्लान बनाया कि हम मोमोज बनाएंगे, है ना। सबसे पहले तो हमने चाय पी, फिर उसके बाद चाय पीते पीते प्लान बन गया कि मोमोज बनाने का। तो अभी हमने मोमोज की ही तैयारी में लगा था। अभी मोमोज बन के कंप्लीट हो चुके हैं, बस लास्ट जो रह गया वो रह गया चटनी बनाना, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो किस्मत से अभी लाइट भी आ गई है, तो अभी फटाफट से पहले चटनी बनाएंगे तब उसको खाएंगे। अरे भाई साहब, राम राम। अरे क्या हो रहा है? अरे यार बरखा कर दी तुमने, बोर नहीं आई? ओहो ये भी बड़े मुंडर से हैं। खाना खाया? खाया का खाया भी है रे, कमा मोमोज बना छाया और सदाओ ध्यान। अब वो अभी तो बना रहे, अभी वो आर वो कमड़े की का खाया? कुछ नहीं खाया। कोमल खाना खाया क्या है? ईद का जल्दी क्या क्या बना है? खिचड़ी ठीक चल रहा है, खिचड़ी की मौसम हो रहा है। ठीक 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 बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। न बने बोतल नहीं लाया, बने स्टीमा लू मोमोज बाना का। चल आ गया, पीछे गया ना, मैं पीछे बैग था। यहाँ देखो कितने सारे हमने बना दिए हैं, ये तो मैंने अभी निकाले हैं, देखो अभी अभी हाफ बॉयल करके। ये वाले देखो बहुत सारे हमने यहाँ पे बना रखे हैं, और कुछ ये हैं तो इनको अभी चढ़ाना बाकी रह गया है। इनको फटाफट से स्टीमर में रखता हूँ फिर बनाता हूँ। लाइट का तो कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि लाइट तो गायब ही हो चुकी है। अब चटनी को पीसा जाएगा अब सिलबट्टे में, तो सिलबट्टे का भी अलग ही स्वाद होता है अपना। ये लग गया तड़का, लो जी लाल हो गए। अब डालेंगे इसके ऊपर चटनी। हाँ भाई चटनी इधर है, लो जी। अरे भाई क्या बात है, आनुच पानी गेचम पान आनुच है। अरे बिरुखल ककोथी गमा मिलनो अजई, बिरुखल ककोथी गमा मिलनो अजई बाट देखो लो त्यार कुसुमो टक लगाई, बाट देखो लो त्यार कुसुमो टक लगाई। टक लगाई बोदी बोदी। हाँ तो आज जो हमने मोमोज बनाए हैं वो अपने ही खाने के लिए बनाए, ऐसे नहीं बनाए बेचने के लिए। लो जी यहाँ देखो ये हो गई है प्लेट तैयार। ये बुए धा वीडियो बनाना चक्रम बल है। ये भी पहचान प्लेट है, अकन का पहचान है। पहुँचाना तो पड़ा छतल कन का पान, एक हाथ फोन, एक हाथ प्लेट। मोमोज बिजाला तो हो गया तब तो ये देने जा रहा हूँ ताई जी और को। बोडी बोडी द्वार खोल, द्वार खोल बोडी, जल्दी खोल जल्दी खोल, मोमोज भिज गई। हर दे चुप रहे बे। हाँ ले नाम त्यार मोटो और काम त्यार को सुना छे के बोडे। ला 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 अरे होगा ला ला ठंड हो जानी और फटाफट सड़का दिया। अब भी निकाल रहे हो? अब भी खा दिया हूँ फटाफट। खाना खाया क्या? वक्त अली खाया बताई। खाओ खाओ। अरे यार इन यार
छतो प्लेट एक था मोमोस देखना है भैरो और बरखा और तेज हो गया कन बजर पड़ रहे तेरी भाई साहब ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम मोमोस खाने का मजा क्या बात है राहुल जानी हैं हाँ बाबा हैं छाकू क्यों बाबा बाबा पका छाकू अरे चांद छुपा बादल में इधर झुक तो चांद नहीं इधर झुक तो छुपा है सूरज यहाँ देखो सामने भैया पूरा कोहरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा कोहरे में मोमोज का मजा लेते हुए पटवाल जी आपको भी आना है तो मोस्ट वेलकम है आपका तभी बोली बल्ले भंडे बिरोलो में मुंह नहीं मुड़ता है हम दो थे तो हमने टन करके बनाया बिल्कुल बढ़िया से और खा भी रहे हैं और बहुत सारों को खिला भी दिए हैं है ना पूरे खौलदार में बांट दिए हैं ये बढ़िया हो गया भैया एक खाल में तो बांट दिए हैं और एक खाल के लिए अब दूसरे दिन बनाएंगे टन करके फिट बने हुए हैं बिल्कुल टना टन जम 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 मोमोज की खासियत ये है जब तक हा हा ना करने लग जाए ना आदमी तब तक मजा नहीं आता क्यों तो भैया हो गई है पार्टी खत्म अब चलता हूँ पहले घर यहाँ से शॉर्टकट रास्ता भी था बट मैं शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं लूंगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मतलब जब मैं मोमोज बनाने के लिए आ क्या रहा था उधर से ना सीधा मेरा हाथ पिछला भैया मैं सीधा नीचे गिरा नीचे कोलन मैंने सोचा कि भाई कंधा निकल गया पर ठीक हुआ मतलब कंधे पर झटका पड़ा ना मेरा मैंने कहा बस कंधा खिसक गया अब पर ठीक है अब कुछ नहीं हुआ तो इस वजह से मैंने शॉर्टकट रास्ता नहीं लिया अब मैं लॉन्ग कट रास्ता ले रहा हूँ मेरे हाथ में ये है चटनी है साथ में कुछ घर वालों के लिए और चाचा जी और के लिए मोमोज रखे हैं तो वो भी लेके जा रहा हूँ अरे यार हे इंद्रदेव क्या कर रहे हो यार तो अभी मैं आ गया हूँ घर में अब फटाफट से पहले इनको गरम करूँगा दोबारा और भाभी और माँ को दूंगा और चाचा जी और भी हैं तो उनको भी दूंगा वहीं पे पता क्या हुआ मैं घर में बिन बताए मोमोज बनाने चला गया और मतलब जब तक मैं घर में आता हूँ ना मतलब जब तक घर में नहीं आता तब तक ये खाना नहीं खाते हैं तो इन्होंने खाना ही नहीं खाया मैंने फ़ोन नहीं किया फ़ोन करने में लेट हो गया थोड़ा तो माँ ऊपर ही आई यार तब मैंने गाली खा दी भाई कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं गाली नहीं खाता यार क्या आदत सी बन गई है दवाई हो गई मेरे यहाँ देखो मेरे बल्ले का खाना ऐसे ही छोड़ रखा उन्होंने देखो रख भी दिया था हाँ मैं घर में टाइम से नहीं आया था तभी तो खाई गाली यहाँ देखो बारिश में ना पूरा दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार सुबह से शाम तक आदमी बोर हो जाता है बिल्कुल बोर टाइप हो जाता है बट अगर आप ऐसी चीजें बनाते हैं ठंडे मतलब ऐसे बारिश के टाइम में तो वो चीज़ सब सही रहता है क्योंकि घबरा करने वाला कोई नहीं रहता है आपके घर में ही सभी लोग घर अपने अपने घर में ही रहते हैं जाते नहीं इधर उधर जाता था पहले के टाइम में जाते थे लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे बैठने के लिए बट अब किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है तो ज़्यादातर लोग जाते नहीं है गाँव साइड में तो फिर भी जाते हैं पर इधर उधर मतलब शहरों में हो गया ज़्यादातर नहीं जाते हैं यहाँ का भी वही सीन हो गया शहरों वाला ही श्री सो गए क्या उठे हो ये लो ये गरम गरम से फटाफट खा जाए हाँ भी वो गरम गरम छड़का दे मैं ठंड हो जाऊँ फिर चाची ले अभी चाचा जी और को भी दे दिए हैं और ये हैं माँ और भाभी के लिए दोनों के लिए अरे भैया आज एक खुशखबरी की बात हो गई आज उनसे पहली बार बात और मुलाकात हो गई जैसे मैं घर से बाहर आया मैंने देखा यार भैया बारिश बंद हो गई निमिषा है कोई बात नहीं निमिषा तो तुम मिसा दे यार कि देखे आन बुने बुद्धि थे दो चार लाइन तुम बल्ले मिसा दे वो बात चौकापट हो जाता अभी शाम के 4:30 का टाइम हो रहा है और लगभग मौसम पूरा खुल चुका है मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मौसम पूरा लगभग साफ हो चुका है इंद्रदेव की तो ड्यूटी है आजकल रोज़ आने की तो वो अपनी ड्यूटी पर डेली टाइम पे आ जाते हैं टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं आजकल चारों तरफ हरियाली तो है ही है बट आपको सबसे ज़्यादा जो हरे पेड़ दिखेंगे वो दिखेंगे अखरोट के देखो सामने अखरोट का पेड़ है ये वाला भी और ये वाला भी इनके रंग के सामने ये वाले पेड़ देखो कितने फीके फीके लग रहे हैं ये वाला ज़्यादा ही हरा लग रहा है हाँ देखो अखरोट भी होने वाले हैं काफ़ी टाइम है होने में बट इतने तो हो ही गए इनका सबसे बढ़िया है यार भाई साहब यहाँ शाम का टाइम पास इतना गीला हो रखा है तब भी खेल रहे हैं सामने का जो गांव दिख रहा है यहाँ पे देखो कांडा मल्ला यहाँ बारात आ रखी है और पहाड़ी बैंड की जो आवाज़ है वो यहाँ तक सुनाई दे रही है
तो पहाड़ी बैंड की जो आवाज है ना वो अलग ही धुन होती है भैया, जो जिसका नाचने का मन ना भी होगा ना तो वो भी नाचने लगेगा। दिन चिकनक जी भाई, दिन चिकनक जी। दोस्तों अभी रात का टाइम है, गर्मा आ गए हैं, काफी टाइम हो गया है और मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। सुबह तो ठंडा था ही पर अब और ज्यादा ठंडा हो गया है। मई के महीने में ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे नवंबर दिसंबर का टाइम हो, इतना सारा ठंडा हो रखा। यहाँ देखो कितनी मोटी मोटी जैकेटें पहन रखी है मैंने। बाकी माँ यहाँ पर पता नहीं लगी पड़ी है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो चलिए दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो का छोटा सा भी या कोई सा भी पार्ट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, बाय।